बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बीफ का गोश्त लिया हमने मिक्स हड्डी वाला 1.5 kg, और टमाटर लेंगे हम 0.5 किलो। टमाटर इसके अंदर हम ज़्यादा डालेंगे। प्याज लेंगे हम 1 पाव। प्याज हमने इसके अंदर कम डालना है। कुटा हुआ लहसुन अदरक लेंगे हम 1-1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 चाय का चम्मच। नमक लेंगे हम 1 चाय का चम्मच, और हल्दी लेंगे हम 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर लेंगे हम 1 खाने का चम्मच, और ये थोड़ा सा हम लेंगे मिक्स गर्म मसाला। और यहाँ पर दही लेंगे हम 1.5 पाव, और ऑयल लेंगे हम 1 पाव। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में बीफ डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज और टमाटर। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और साथ ही इसके डाल देंगे हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और साथ ही इसके हम डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। सबसे आखिर में इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो पानी हमने इसके अंदर डालना है 1 लीटर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ऊपर से कवर करेंगे, आंच को हम तेज़ कर देंगे बॉयल आने तक। जब अच्छी तरह से इसको बॉयल आ जाए, फिर आंच को हम स्लो करेंगे और 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि बीफ अच्छी तरह से गल जाए और पानी भी इसका खुश्क हो जाए। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी है। तो हम इसे चेक करेंगे, अगर ये गल चुका होगा तो हम पानी को तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे, और अगर ये कच्चा हुआ तो हम इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गल चुका है, तो हम आंच को तेज़ कर देंगे और इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। बीफ जो है वो 80% तक गला होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो बुनाई में भी इसने गलना है, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल खुशक कर लिया। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने इसके अंदर बिल्कुल इसको खुशक करके डालना है, पहले नहीं डालना, जब अच्छी तरह से इसका पानी खुशक हो जाए तो फिर डालना है। तो ऑयल इसके अंदर हमने 1 पाव डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसका अपना भी ऑयल होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम डालें। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही इसके डाल देंगे हम साबुत गरम मसाला। इसके अंदर हमने जो कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, इसको हमने इसी टाइम पर ही डालना है, इससे पहले नहीं डालना। तो अब इसकी हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बुनाई करेंगे। तो जब अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाएगी, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि देखने में ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो खाने में कितनी मज़े की होगी। तो बुनाई हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरह से तकरीबन 6 से 7 मिनट तक की है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। तो दही थोड़ा सा जो है वो खट्टा होना चाहिए, अगर दही खट्टा ना हो तो इसके अंदर आप एक लेमन भी डाल सकते हैं। अब इसकी हम मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। दही डालने से एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, दूसरा इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बुनाई इसकी हल्की आंच पे करनी है, तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आप देख सकते हैं बुनाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 साबुत सब्ज़ मिर्चें, साथ ही इसके डाल देंगे कटी हुई 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ अदरक। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम कवर करेंगे, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो देखिए 3 मिनट हो चुके हैं,
तो बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया, साथ ही इसके डाल देंगे एक चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल सी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो थोड़ी सी हम इसकी गार्निश करेंगे, तो इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ अदरक और कटी हुई सब्ज़ी मिर्चें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दुआओं में याद रखें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।